अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे कि कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज़ है। कई अहम शख्सियात इंतखाबी अखाड़े में उतर गईं। परवेज़ इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार का आज़ाद हैसियत से मुकाबले का ऐलान। मरियम नवाज़ ने ANA 119 से कागजात ले लिए हैं, जबकि सादिक संजरानी ने भी फॉर्म हासिल कर लिया। फॉर्म जमा कराने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। आम इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज। बड़े सियासी बुर्ज मैदान में परवेज़ इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार का आजाद हैसियत से मुकाबले का ऐलान। मरियम नवाज पार्लियामानी सियासत के लिए तैयार। ANA 119 से कागजात ले लिए। बलूचिस्तान से सनाउल्ला जहरी, अख्तर मेंगर, अब्दुल गफूर हैदरी, यार मोहम्मद रिंद और दीगर उम्मीदवार। सादिक संजरानी ने भी फॉर्म हासिल कर लिया। तहमीना दौलताना ने खवातीन नशस्त के लिए फॉर्म ले लिया। ANA 75 शकरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज और ANA 76 से एहसन इकबाल ने कागजात नामजदगी वसूल किए। फॉर्म जमा कराने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। 23 दिसम्बर को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।